आनंद मोहन की आज रिहाई हो गई, मगर इस रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज कराया गया है। कहा गया है कि जो संशोधन किए गए हैं वो संशोधन आखिर किस ग्राउंड पर किए गए हैं, इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में अब सुनवाई होगी। अब आगे क्या कुछ होगा और वकील ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। एक मिनट, सॉरी ऊपर से गड़बड़ गया था जी, बता दीजिए मैडम क्या है पीआईएल जो आप लोगों ने किया। देखिए ये जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 रूल 4881(1)A, उस जो संशोधन इन्होंने किया है दैट इज नॉट इन गुड फेथ। कोई भी संशोधन होता है इट शुड बी इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। लेकिन ये संशोधन ला करके ना ये दिस अमेंडमेंट हैज टेकन अवे द अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन विच हैज बीन गिवन टू द पब्लिक सर्वेंट्स एट लार्ज, यू नो, ऑन ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था वो इससे छिन गया है एंड क्रिमिनल्स को ये बेनिफिट मिल गया है इसका। एंड उन क्रिमिनल्स को जिन्होंने बहुत जघन्य हत्या की है पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी ड्यूटी की, एंड इससे क्या हुआ कि जो पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी का मोरल डाउन हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था 2016 में आपने उनको ये संशोधन ला करके उनको एक प्रोटेक्शन दिया था, उनका मान सम्मान इजाफा किया था। लेकिन अभी इस संशोधन से ये सब आपने वो जो प्रोटेक्शन दिया था वो ले लिया है वापस, एंड दिस इज़ वेरी अनरीजनेबल एंड अनएक्सप्लेन। ये संशोधन लाने की ज़रूरत क्या थी? सो ये संशोधन है, इसको कहते हैं इट इज़ ग्रॉसली एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्री एंड अनरीजनेबल एंड ऑन दिस ग्राउंड यू नो इट शुड गो अवे। ऑल्सो यू नो कोई भी अमेंडमेंट हम लाते हैं तो हम देखते हैं कि वो आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, तो वो कंसल्टेशन भी तो नहीं हुआ है। सो यू नो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये भी अट्रैक्ट होता है। सो क्या उम्मीद है इस याचिका पर? सी वी आर स्टैंडिंग बिफोर द टेंपल ऑफ जस्टिस, यू नो आई रियली होप जस्टिस विल बी डन। ऑलराइट, सो नाउ ओनली हैव फाइल द केस। ओके, अभी कुछ सुनवाई नहीं, अभी सुनवाई भी नहीं है, अभी तो फाइलिंग प्रोसेस फाइल हुआ है खाली, अभी इसमें डिफेक्ट भी नहीं लगा है। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, मैं रुको, एक मिनट।